एक दूजे के वास्ते तुम अपने श्रवण का दिया होगी पहनकर कितनी अच्छी लग रही है यार। तुझे पता है आज तक ना मैं छिप छिप के उसके फोटोज क्लिक करता था, पर आज सुमन ने पहली बार खुद सामने से फोटो क्लिक करके भेजा है। ऐसा लग रहा कि मेरी सुमन थोड़ा शर्मा सी रही है। और आज तो यार फंसते फंसते बच गए भाई। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अभी गिरे 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 वो बच गए। क्या बे, जब से कब बेसुरा राग गा के मनुष्य फैला रहा है? अगर बीबी के घर पे पड़ा तुम्हारा फोन सुमो या कंचा चीना के हाथ लग गया फिर तो सारे कच्चे चिट्ठे बाहर लिपकेंगे। ये सब तो मैंने ही उसे कैसे कंचा सही सोच रही थी। वो बीबी क्यों देगा मेरी सुमो को फोन? हाँ, वो तो जानता नहीं क्या मेरी सुमो को? अब क्या हूं, बात ये है मेरी जान कि अगर गलती से बीबी ने सुमो को फोन दे भी दिया ना तो मेरी सुमो कभी फोन चेक नहीं करेगी और ना ही कभी अपनी बहन को करने देगी। मेरी सुमो ना उसूलों की पक्की है। चल अभी बंद कर, मैं बोल रहा हूं ना भाई, चिंता वाली कोई बात नहीं, सो जा तू आराम से। आलसी कहीं की। बहुत अजीब फील हो रहा है कल रात से, क्या करूं? श्रवण से बात, पर अगर गलत हुई तो पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं ठीक सोच रही हूं कि नहीं, और उसके लिए आज के आज ही कोई प्लान सोचना पड़ेगा। कितने अलार्म लगाए हैं इसने सुबह उठ के क्लास आने के लिए। आइए सर। पक्का यही मकान है? जी सर, आइए। चलिए। नगर निगम से आए, विजय तिवारी से मिलना था, इस मकान के बारे में उनसे कुछ बात करनी। विजय तो इस वक्त घर पे नहीं है, मैं उसका पिता हूँ और ये घर मेरे नाम पे है। कहिए क्या बात? अरे तो फिर ठीक है, आप ही के साथ अंदर चलते हैं। दरअसल इस मकान का इंस्पेक्शन करना था, पूरा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन? पर नगर निगम तो पहले नोटिस भेजता है। आप आपके पास कोई पेपर है, कोई नोटिस है? ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है दरअसल में इस पूरे घर के इंस्पेक्शन का। कॉपरेट कीजिए मिस्टर तिवारी। ब्रिगेडियर तिवारी। ब्रिगेडियर तिवारी, फिर तो आप ड्यूटी का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे ना सर। हम चुपचाप अपना इंस्पेक्शन करेंगे और फिर इसी गेट से वापस चले जाएंगे, मगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो शक होगा ब्रिगेडियर साहब। ठीक है, इस वक्त आइए आप, और मैं कंप्लेन करूंगा आप लोगों के खिलाफ। ठीक है, आ जाओ। जय हो चाचा जी की। आते ही बीबी के माथे पर शिकन ला दी, और मुझे कुछ देख के तो उसके बचे कुछ दो बाल भी सफेद हो गए होंगे।
सोचिए जब उन्हें आपकी खुशी की वजह पता चलेगी ना तब क्या होगा। फिर दोबारा कभी नहीं हंस पाएगा। बदतमीज बुढ़ऊ। जब इधर उधर चक्कर लगा लगा के थक जाए तो बता देना। सुबह से ऐसे घूम रही है तू। दिमाग में ये बात घूमना बंद करे तो चैन से बैठू ना कंचा। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा तू एक काम कर, इधर आ बैठ बैठ। इससे पी ले फिर तेरे दिमाग को भी संभालते हैं। ओके ले आराम से बहन आराम से, तेरे लिए ये ला दे। अब बता हुआ क्या कंचा? मुझे लग रहा है कि जो तू श्रवण के बारे में बोल रही थी ना वो सब ठीक था। यानी तेरे लिए उसकी फीलिंग्स? मैंने कहा था ऐसी बात है ना मुझे एक मिनट में समझ में आ जाती है। और श्रवण हिंट्स पे हिंट्स छोड़ते जा रहा था और तू। फिर से सुन, मैंने कहा मुझे लग रहा है, अब तक श्योर नहीं हूं मैं। तू कर लेता ना पक्का, इतना क्या स्ट्रेस? अभी के अभी कुछ प्लान करते हैं। एक प्लान सोचा है मैंने, क्योंकि कुछ भी करने से पहले एकदम श्योर होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली तो क्या प्लान है? कल श्रवण ने हमें सरप्राइज दिया था, करेक्ट? अब मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हाय गर्लीज। हाय देविका, तुम यहाँ इतना जल्दी? क्लास शुरू होने में तो काफी टाइम है। एंड एक्चुअली ना हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे सो। ये भी जरूरी है कंचा, देविका को फोन करके जल्दी मैंने बुलाया। आज मुझे इसे एक स्पेशल गिफ्ट देना है। आई एम सॉरी श्रवण, पर तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए आज मुझे कुछ पैतरे अपनाने पड़ेंगे। नगर निगम, किसने प्यार से इतने सालों में घर बनाया और अचानक ही अटक गया? ना पहले कोई नोटिस भेजा ना, जरूर कोई गड़बड़ है। लिविंग रूम का कारपेट एरिया लिखा? जी सर। यार नोटिस ऐसे कौन आता है? बाबूजी ठीक कह रहे, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये आ गए ना, आप देखिए गड़बड़, बाबूजी देखिए गड़बड़, सारे घर के फैसले तो बाबूजी लेते हैं। कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ शिफ्ट होगा, एक्शन होगा या नहीं होगा, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है ना। हमें कुछ करना चाहिए। ये इंदौर वाली बात से अभी तक नाराज है। अरे ब्रिगेडियर साहब, आप तो नाराज लग रहे हैं। अब भाई देखिए, काम जो मिला है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, है? हाँ, आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि अगली बार नोटिस के साथ आऊं। अगली बार? अब किस लिए? देख तो चुके हैं आप सब, आज तो पहला राउंड था, ऊपर ऊपर से चेक किया है। इंस्पेक्शन का प्रोसेस तो लंबा चलेगा, आना जाना तो लगा ही रहेगा। हाँ अरे तुम लोग? यस सर। तुम लोग निकलो जी। और हाँ गाड़ी आगे पार्क कर दे। जी सर। मेरी भतीजी यहाँ रहती है, मैं उससे जरा मिल करके आता हूँ। ओके सर। आपकी भतीजी यहाँ डिफेंस कॉलोनी में रहती है? जी। आपके पड़ोस में रागिनी और राजेश? राजेश अब मिलना जुलना होता रहेगा ब्रिगेडियर साहब, मुलाकातें होती रहेंगी सर। कैसे हो मेरे बच्चों? कुछ ना कुछ रहो। और कैसी है? बढ़िया सर। और तुम? बहुत टाइम लगा दिया आप। अरे कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। ये दोस्ती के लायक नहीं, ये तो पता था। इनसे तो दुश्मनी करने में भी घिन आ रही है, इतना नीचे गिर के। अरे वाह, आज तो सब यही है। दूर से क्या नमस्ते कर रहा है, पैर छू के प्रणाम कर, तेरी चाची के चाचा जी हैं। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। मेरा पुत्र है श्रवण। अरे वाह भाई वाह, कितना बड़ा हो गया ये, एकदम शेर। अब मेरी चाची के चाचा जी, मैंने तो बहुत कोशिश की बच्चा बने रहने की, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो हो गया बड़ा। बातें बहुत अच्छी करता है।
चलो भाई, इसी बहाने इससे भी मुलाकात हो गई। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा जी, तेरा काम हो जाएगा, चिंता मत करना है। कौन सा काम? हाँ? कुछ काम बोल रहे थे ना? तो तुझे क्लास में जाना था ना, देर नहीं होनी तुझे। चल जा, जाके पढ़ाई कर, जा। तेरे पापा को वैसे ही बड़ी उम्मीदें हैं, अब जा ना। मैं कह रही थी, श्रवण को ना अपने इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हाँ भाभी, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उन्हीं के यहाँ तो क्लासेस में जाते हैं, अगर मुंह से एक भी बात निकल गई ना तो सारा प्लान ठप हो जाना है। ओ भाभी, मैं तो कहता हूँ भाई साहब को भी इन सब चीजों से दूर रखते हैं। ओ, मुझे तो लग रहा है ऑलरेडी उनका तिवारियों से कोई पंगा चल रहा है। अबे ओए, आज अपना फोन साइलेंट पे डाला है ना? अबे मेरी फोन की छोड़, तो खुद को साइलेंट कर। मैं अपनी पे आ गया ना तो सीधा म्यूट कर दूंगा, समझा? हेलो नेबर हैंडसम। ये सुमो को क्या हो गया? आज तो सबसे लेट है क्लास में। अच्छा जी, सबसे लेट? अंशुल छुट्टी पे है, देविका भी नहीं है। ओह, पर तुम्हें सुमो के अलावा किसी और से क्या मतलब है ना? नहीं, वो तो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी, तो इसीलिए बस पूछ रहा हूँ। बेस्ट फ्रेंड? वाओ, गॉर्जियस। मतलब सुमो ने आज ही ड्रेस पहन ली, स्टनिंग भी लग रही है। सुमन को तो मैंने थैंक्स बोल दिया, पर असली थैंक यू तो तुम्हारे लिए है ना श्रवण? थैंक्स? क्या मतलब? ये ड्रेस तो... आई नो, ये ड्रेस देखते ही समझ गई थी कि ये तुम्हारा ही टेस्ट है। याद है वो ब्रेसलेट जो तुमने मुझे दिया था? देविका, ये ड्रेस ना सुमन के लिए थी यार। आई नो बाबा, पर मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सुमन से मांगी और उसने दे दी, इसलिए थैंक यू। पर सुमो, पसंद नहीं थी तो मुझे बता देती यार, तुम्हारे लिए ली थी ड्रेस, देविका को क्यों दे दी यार? अरे तुम तो बुरा मान रहे हो श्रवण, देविका को वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। आई मीन अच्छी तो मुझे भी लगी, पर वो ना उस ड्रेस को देख के एकदम से एक्साइटेड हो गई, तो मैंने बोला ठीक है तू ही रख ले। पर सुमो, स्पेशली तुम्हारे लिए ली थी ड्रेस। हाँ श्रवण, मैंने उसे बोला था कि ये ड्रेस तुमने मुझे दी थी। ओएमजी सुमन, श्रवण का टेस्ट देख के तुम्हें उससे फिर से इम्प्रेस हो गई यार। तो मैं पता है क्या सोच रही थी, तुम्हारी कल वाली डेट तो फ्लॉप हो गई राइट, और देविका मुझे बता रही थी कि वो फिर से डेट करना चाहती है, तो क्यों ना तुम दोनों, आई मीन इतने तो कोई बड़े इश्यूज नहीं थे तुम दोनों के बीच में, क्यों ना तुम उसे एक और चांस दे दो। नहीं यार वो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दद्दू सर, मेरा फोन मिल सकता है प्लीज? सुमन, इसका मोबाइल दे दो जी, वरना ये भी जाके चाची को कंप्लेंट करेगा। सॉरी श्रवण, आते ही देविका से बातों में लग गई ना, तुम्हें देना भूल ही गए, दादू ने मुझे संभालने के लिए दिया था। मेरा फोन कल से तुम्हारे पास था? हाँ, कल क्लास के बाद ही दादू ने मुझे दे दिया था। अगर बीबी के घर पे पड़ा तुम्हारा फोन सुमो या कंचा चीना के हाथ लग गया, फिर तो सारे कच्चे चिट्ठे बाहर निकल आएंगे। क्या हो गया श्रवण, तुम्हारा फोन मेरे पास ही तो था, कोई खो थोड़ी ना गया था। सचो तो खो ही जाता है यार। हाँ क्या? नहीं, वो फोन इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना यार, तो अच्छा है किसी के हाथ ना लगे तो। आई एम श्योर तुमने पासवर्ड तो सेट करा ही होगा अपने फोन में। नहीं तो
मेरे फोन में पासवर्ड कुछ है ही नहीं छुपाने वाला, मैं पासवर्ड नहीं लगाता। यानी कि मैं तुम्हारा फोन देख सकती हूँ? एक्चुअली ना मेरा कल से ही मन कर रहा था, पर मैंने सोचा कि परमिशन लेके ही देख लूंगी। अब तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मना थोड़ी ना करोगे। ऑफ कोर्स यार, मतलब बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरी, और मेरे फोन में कुछ है ही नहीं ऐसा छुपाने लायक, तो परफेक्ट। नहीं मतलब अभी तो, अभी बाद में ले लेना। हद है तुम्हारी, इतनी खींचतानी, अभी तो बोला कुछ छुपाने जैसा नहीं है। मतलब तुम झूठ बोल रहे थे ना, कुछ तो गड़बड़ है ना? नहीं नहीं यार, जैसे तुम लड़कियों का बैग नहीं होता, तुम देखने नहीं देती हमें, वैसे हम लड़कों का फोन होता है, तो बस। अब मुझसे नहीं रुका जाएगा श्रवण, नहीं करते ना तुम भरोसा। पासवर्ड लगा दिया, बेस्ट फ्रेंड बोलते हो और एक सीक्रेट भी शेयर नहीं कर सकते। नहीं, वो रखो। चलो एवरीवन, पल पल बच गया, इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरे फोन में? पेज 53 खोलो और इक्वेशन सॉल्व करो। नहीं करते ना तुम मुझ पे भरोसा, पासवर्ड लगा दिया। सॉरी श्रवण, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ऐसे एक्टिंग करनी पड़ी। तुम्हारे दिल में क्या है ये जानने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मतलब मेरा डाउट करेक्ट था, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से बढ़कर हूँ, अब मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। तकलीफ तो बहुत हुई होगी तुम्हें मियाँ, देविका के हाथ में वो ड्रेस देख के। जे भी तो हो सकता है ना मियाँ, कि उसने देविका को बस एक दो दिन पहनने के लिए दे दियो। लड़कियों में ऐसा होता रहता है, कपड़ों की अदला बदली। अबे उसने कहा मैंने देविका को दे दी, एक बात बता, अबे इतने प्यार से मैंने उसे ड्रेस दी थी, उसने ऐवे आगे ट्रांसफर कर दिया यार। अरे पर मिया, ये भी तो हो सकता है कि वो बस तुम्हारी टांग खींच रही हो, या फिर कंचा चीना ने दे दिया होगा अपने शैतानी बक्से से निकाल के कोई गंदा वाला आइडिया। अबे पर हंसी मजाक में देविका को थोड़ा घसीटेंगे, पर एक बात बता, हंसी मजाक और इमोशन में फर्क होता है, होता है कि नहीं? होता है, होता है। तुम सच कह रही हो, जे तो उसने गलत किया। और एक तो उसका कुछ अलग ही शुरू हो गया आजकल, मेरे फोन के पीछे पड़ी हुई थी। और एक बात बता, वैसे तो सारा दिन स्पेस स्पेस करती है, और अब मेरे स्पेस में बेस्ट फ्रेंड बोल के छलांगे मार रही थी। तो आना यार। वैसे मियां, बेस्ट फ्रेंड है जे सोच के पहले तो फोन नहीं चेक कर लिया? अबे नहीं यार, परमिशन मांग रही थी फोन चेक करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना। वाह बड़ी अच्छी लड़की है। अबे ओ दल बदलू, कल तक तो तू बोल रहा था मेरी दाल निकलेगी। हाँ पर लड़की तुम तब भी अच्छी मानते थे ना। और सुनो भी, ज्यादा तड़पो मत, सुमन जैसी लड़कियां ना ऐसे हर किसी एरे गेरे नथु खेरे को बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती, वो तुम्हें मानती है क्योंकि तुम स्पेशल हो, बस आगे की आशी की तुम्हें कमानी पड़ेगी, समझ रही हो ना? फोन हाँ सुमो। सुनो ना श्रवण, तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? अचानक क्या हो गया भाई? एक्चुअली अचानक नहीं है, काफी टाइम सोचना पड़ा, हिम्मत जुटानी पड़ी, फिर जाके डिसाइड किया कि बोलना जरूरी है। अच्छा डिसाइड ही कर लिया तो बोलो। मिलके बताऊंगी, पर्सनल बात है। पर्सनल बात मुझसे शेयर करना चाहती हो? सीरियसली? ऑफ कोर्स। तो कल 6 बजे मिलोगे, साथ में वॉक पे चले, वैसे भी अब तो तुम्हें सुबह उठने की आदत हो गई है ना। डन, 6 बजने से 10 मिनट पहले मिल जाऊंगा, ठीक है? ओके। हाय मेरी मीठी मीठी सी सुमो, अब जब सच का पता चल गया तो करने क्या वाली है? इतना वेट किया, थोड़ा सब्र और रख ले, कल तो पता चल ही जाए। भाई अब क्या पता करना है? मुझे अपना स्पेशल दोस्त मानी थी, अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाहती है,
मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहती मेरे साथ यार। आंटी विश्वास ही नहीं हो रहा भाई। पर मियां हमको तो जी विश्वास नहीं हो रही है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रही है। जल्दी हो रही मतलब? अरे बुद्धू मियां, तुमने इतनी गर्लफ्रेंड पटाई है, जरा दिमाग से लगाओ कि एक लड़की और एक लड़के के बीच में पर्सनल बात क्या हो सकती है, और वो भी अकेले में, और वो भी घर से कहीं दूर ले जाके। हैं? यानी कि तू, यानी कि वो भी वही फील कर रही है और तुझसे प्यार। पट्टी, अगर सुमो कल सच में यही कहेगी ना भाई, तो मतलब वही खड़े खड़े बेहोश हो जाऊंगा यार। अरे कोई बात नहीं भैया, सुमन होगी तुम्हारे साथ, जय करनी होगी उसे बात, और फिर पूरी उम्र तुम दोनों को संभाल लोगे एक दूसरे का। अगर सुमो भी मुझसे सच में प्यार करती है ना यार, और अगर कल वो मुझे मिल गई ना, तो मैं शायद जिंदगी से कुछ और मांगना ही छोड़ दूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.